हे गाइस, वेलकम बैक टू आरुण इंडेक्स। सबका फिर से स्वागत करते हुए एक और वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ट्रेडिंग के तीन सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट के ऊपर। चलिए शुरू करते हैं। ट्रेडिंग के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो तीन पार्ट है वो यहाँ पर है, टाइम फ्रेम, कैंडल्स एंड इंडिकेटर्स। यहाँ पर होते हैं टूल्स, के बारे में हम लोग किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे टाइम फ्रेम, कैंडल्स एंड इंडिकेटर्स के ऊपर में। यहाँ पर होता है टाइम फ्रेम, देख सकते हैं बहुत सारा टाइम फ्रेम दिया हुआ है, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट। अगर 3 मिनट पर क्लिक करते हैं तो भी आप देख सकते हैं यहाँ पर 3 मिनट है। हर 3 मिनट के बाद एक कैंडल शुरू होता है। 5 मिनट टाइम फ्रेम बहुत पॉपुलर है। अगर आप इंटरडे ट्रेडर हो या शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो तो फिर आपको 15 मिनट या 30 मिनट में चार्ट देखकर 5 मिनट की चार्ट में ट्रेड लेना चाहिए। अगर आप स्विंग ट्रेडर या पोजिशनल ट्रेडर हैं तो फिर आपको डेली चार्ट या आवरली चार्ट देख के 15 मिनट या 30 मिनट की चार्ट में ट्रेड लेना चाहिए। अब यहाँ पर आते हैं कैंडल्स में। यहाँ पर बहुत सारा कैंडल्स का टाइप दिया हुआ है। जनरली इस टाइप को हम लोग यूज करते हैं, आप बार्स को भी यूज कर सकते हो। अगर आप इस ग्रीन कैंडल को देख रहे हैं, प्राइस यहाँ पर ओपन हुआ था, यहाँ पर क्लोज हुआ है। अपर सर्किट ये है, लोअर सर्किट यहाँ पर है। यहाँ पर और एक पॉपुलर कैंडल टाइप है एकनेशी। अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हो या पोजिशनल ट्रेडिंग करते हो, स्विंग ट्रेडिंग के लिए और पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए एकनेशी कैंडल्स बहुत पॉपुलर है। आप देख सकते हो यहाँ पर लगातार ग्रीन 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 कैंडल, देखिए यहाँ पर लगातार रेड कैंडल दिखाई दे रहा है, क्योंकि इससे ट्रेंड समझना बहुत ही आसान होता है। फिलहाल हम इस टाइप को ही सिलेक्ट कर लेते हैं। अब आते हैं इंडिकेटर्स में, जो ट्रेडिंग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। आप यहाँ पर आके कोई भी इंडिकेटर्स को आपके चार्ट में प्लॉट कर सकते हैं। सर्च कर रहा हूँ मूविंग एवरेज, जो कि हमें ट्रेंड समझने में मदद करता है और हमें एंट्री और एग्जिट करने में भी मदद करता है। इनपुट्स, फाइल्स और विजिबिलिटी आप चेंज कर सकते हो। इनपुट में यहाँ पर लेंथ 9 है, आप यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हो। देख सकते हो यहाँ पर जब मैं लेंथ बढ़ा रहा हूँ तब मूविंग एवरेज पोजिशन भी चेंज हो रहा है। टाइल में आके यहाँ पर आप कलर चेंज कर सकते हो, थिकनेस चेंज कर सकते हो, पॉजिटिव भी कम ज़्यादा कर सकते हो। इस वीडियो के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को। जल्दी मिलेंगे एक और वीडियो में, तो के लिए हैप्पी ट्रेडिंग।